हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग का जो गुडलक वाला ऐप होता है उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है नाइस स्केच। उसके अंदर एक नया अपडेट आया और कई नए फीचर उसमें एड ऑन किए गए। एक्चुअल में ये नाइस स्केच होता क्या है और क्या नए फीचर वहाँ पर एड ऑन किए गए, इसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलते हैं दोस्तों, मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआई टेक में। जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ गुडलक की ऐप के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है आपको अपने मोबाइल की गुडलक वाली ऐप में चले जाना है। गुडलक वाली ऐप में जाने के बाद आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर एन मिल जाएगा, बट यहाँ नहीं जाना, आपको यहाँ जाना है नाइस स्केच वाले ऐप पे। आपको दिख रहा होगा नाइस स्केच वाले पे जाएंगे और यहाँ पर आप अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये नया अपडेट यहाँ पर मिल रहा होगा और यहाँ पर ये नए फीचर एड ऑन किए गए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है वर्जन नंबर 5.00.02 और इसमें नया फीचर क्या एडेड किया गया है, एसिबिलिटी सेटिंग चेंज का यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है। उसके नीचे देखेंगे एड लॉन्ग प्रेस एक्शन ऑन ईच इवेंट, ऑप्टिमाइज लोडिंग इवेंट और सम माइनर बग्स फिक्सेस किए गए। नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे क्या काम करता है। पहले तो ये देख लो, इस वर्जन बताई दिया है उसने, अपडेट डेट आज ही के दिन इसको रोल आउट किया गया है और ये साइज जो की है 6.37 mm का। तो पहले तो कर लेता हूँ तो इसको अपडेट। यहाँ पर आप देखेंगे इसका यूज क्या है, तो आप देखेंगे नाइस कैच, कैच मतलब ही है कैच करता है। क्या कैच करता है कि आप अपने मोबाइल में कितनी बार आपका मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, कितनी बार कॉल कनेक्ट करते हो, कितनी बार आपने कोई सेटिंग को चेंज किया गया है, कितनी बार आपके मोबाइल पर एडवर्टाइजमेंट आई है और कितनी बार आपके मोबाइल को आपको अनलॉक किया गया है और यहाँ पर कितनी बार आपने एसिबिलिटी सेटिंग को चेंज आउट किया गया, कितने बार अपने मोबाइल को आपने म्यूट आउट किया गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ये मॉनिटरिंग करता है, आपको दिख रहा होगा, और ये आपको बताता भी है कि इतने इतने बज के इतने मिनट में आपने ये काम करा है। तो कैसे, तो कर लेते हैं इसको ओपन। ओपन करने के बाद आप देखेंगे आपको ऐसा यहाँ पर इंटरफेस मिलेगा। बाय डिफॉल्ट ये ऑन ऑफ रहता है, आपको इसको ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद क्या होगा, सारी सेटिंग को आपको ऑन कर लेना है जिस जिसको आपको ऑन करना है। लाइक मैंने यहाँ पर दे रखा है वाइब्रेशन हिस्ट्री, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कब कब ये वाइब्रेट हुआ है और किस किस जगह पर, वजह से कॉल आया तो वाइब्रेट हुआ है, कितने घंटे पहले हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, एक एक टाइम आपको यहाँ पर डीपली बता रहा होगा। आप दिख रहे होंगे एक एक चीज़ आपको यहाँ पर ये बता रहा होगा। आप जितनी नीचे जाएंगे उतनी बार आपको बताते जाएगा सेटिंग चेंज हुई तो हुआ और कॉल हुआ तो हुआ, मतलब ज़्यादातर कॉल में ही हुआ है और सेटिंग्स में भी हुआ, ये सब चीज़ें आपको बता देगा। व्हाट्सएप पे हुआ, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर बताने वाला है, ठीक है। ऐसे ही बैक आएंगे, यहाँ पर जाएंगे रिंग मोड हिस्ट्री में, तो कितनी बार रिंग बजी है, किस किस के लिए बजी, किस किस चीज़ के लिए बजी, वो आपको यहाँ पर बता देगा। नीचे कॉल मोड हिस्ट्री, कितनी बार कॉल कनेक्ट किया गया, नॉर्मल कॉल है, वीडियो कॉल है, रिंगिंग कॉल है, सब चीज़ें यहाँ पर आपको बता देगा। ऐसे ही मीडिया वॉल्यूम, कितनी बार आपने वॉल्यूम को चेंज आउट किया गया है वो बता देगा। नीचे टॉच हिस्ट्री, कितनी बार आपके पास पॉपअप कॉल आया है, तो वो ये यहाँ पर मॉनिटरिंग करता है। आप चाहे तो इसको अलाउ कर दो, मैंने इसको बंद कर रखा है। उसके नीचे मिलेगा डिटेक्टिव कमर्शियल, मतलब कि डिटेक्ट कमर्शियल, कितनी बार आपके मोबाइल में एडवर्टाइजमेंट आई, लाइक मैसेज में कोई एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड मैसेज आया होगा तो वो बताने लगा, गूगल में आया, ये कौन कौन सी ऐप में आई, सब आपको यहाँ पर वो खुद मॉनिटरिंग करके बता देगा। ऐसे ही नीचे की तरफ आएंगे, इसकी स्क्रीन बैकअप हिस्ट्री, कितनी बार आपने अपने मोबाइल को लॉक और अनलॉक किया है वो यहाँ पर आपको बता देगा। और नीचे आएंगे आपको मिलेगा चेंज सेटिंग चेंज हिस्ट्री, कितनी बार अपने मोबाइल की आपने सेटिंग चेंज करी, लाइक यहाँ पर दिख रहा होगा 3 घंटे पहले डार्क मोड को ऑन करा, साउंड को चेंज करा, फिर साउंड को चेंज करा, ऑटो रोटेट पोर्ट्रेट को ऑन करा, फिर ऑटो रोटेट पोर्ट्रेट को ऑन करा, तो एक एक चीज़ आपको ये बता देगा। उसके नीचे आएंगे आप देखेंगे एक नया फीचर एड ऑन किया गया है, एसिबिलिटी सेटिंग चेंज हिस्ट्री, कितनी बार आपके मोबाइल की एसिबिलिटी चेंज हुई। एसिबिलिटी मतलब आपने अपने मोबाइल को लेंस पे यूज़ करा, उसके फ़ॉन्ट्स को चेंज करा या और भी चीज़, जो कि आपको यहाँ सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद एसिबिलिटी में जाएंगे, एसिबिलिटी की जो भी सेटिंग है आपने कितनी बार चेंज करी है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। लाइक कैसे बताता हूँ, मैं आया बाहर, यहाँ पर आया, मैंने टॉक बैक किया, मैंने उसको ऑन कर लिया, जैसे मैंने अभी टॉक बैक को ऑन करके ऑफ करा, तो अब आपको वहाँ जाएंगे आप सेटिंग में देखेंगे एसिबिलिटी में, तो आपको बता देगा कि टॉक बैक को ऑन करा और आपने ऑफ करा, जितनी भी एसिबिलिटी रिलेटेड सेटिंग होगी सब आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ऐसे ही यहाँ पर चेंज किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे और क्या क्या गया है, जैसे मैं आपको ले जाऊँ वहाँ पर वापस, एड लॉन्ग प्रेस एक्शन ऑन ईच इवेंट, तो आप एड लॉन्ग प्रेस ऑप्शन दे दिया गया है उसमें,
कि जो भी आप एड लॉग से करेंगे वो भी आपको वहां पर दिखेगा। ईच इवेंट में ऑप्टिमाइज की गई है लॉडिंग इवेंट, जो भी इसमें चीजें दिखती हैं उसको ऑप्टिमाइज कर दिया गया है ताकि बहुत जल्दी आपको वहां पर दिखे। ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस यहां पर इंक्रीज या फिर इंप्रूव की गई है। मेनली यहां पर एक ही नया फीचर एड ऑन किया गया है जिसका नाम है एसेबिलिटी चेंज का, यहां पर एड ऑन किया गया है। बाद में इसकी इसकी क्या बोलते हैं एड इवेंट किया गया है जिससे लॉन्ग प्रेस में जो भी चीज होगी वो भी आपको यहां पर मॉनिटरिंग हो। और यहां पर क्या किया गया है उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर दिया गया है और सम बग फिक्सेस किए गए, ये चीजें यहां पर आपकी की गई हैं। ओवरऑल इस ऐप का काम यही है जो कि मैंने आपको बता दिया है। ये आपको सिर्फ एक एक चीज बताता है कि क्या क्या आपने करा है अपने मोबाइल में। होता क्या, हम किसी को अपना मोबाइल देते हैं और वो कुछ भी सेटिंग चेंज आउट कर लेता है, तो आप उससे मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि उसने आपके बिहाफ में क्या क्या चीजें करी और कितनी बार मोबाइल को अनलॉक किया है, लॉक किया, सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरे कुछ कमी है तो मेरे डिसलाइक भी सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम में फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।